तो आपको 32 मिनट्स थे पार्टी के लिए, लेकिन राठवा जी ने 22 मिनट्स ले लिया, आपको 10 मिनट है। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार के कथनी और करनी दर्शाते एक शायरी से अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। सरकार की फाइलों में देश का मौसम गुलाबी है, सरकार के फाइलों में देश का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदे के और जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है, आज भी फूटी रकाबी है। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था। वह कह रहे थे कि सौगंध हमें इस मिट्टे के, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। हमें लगा कि 56 इंच के सीने वाले देश के प्रधान सेवक जी बोल रहे, लेकिन आगे सुनकर जब सुना, पढ़ा और समझा, तब समझ में आया, यह कह रही है कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, रोजगार धंधा करना नहीं है, इसलिए भारतीय रेल को बेच देंगे, चाय बेचने वाले प्लेटफार्म को बेच देंगे, एयरपोर्ट बेच देंगे, टेलीफोन कंपनी बेच देंगे, कोल इंडिया बेच देंगे, इंडियन ऑयल बेच देंगे, बंदरगाह बेच देंगे, सारे पीएसयू पब्लिक सेक्टर बेच देंगे, किसान के जमीन बेच देंगे, गरीबों के हक और अधिकार को बेच देंगे, उनका स्वाभिमान और सम्मान बेच देंगे, फिर भी देश नहीं बिकने देंगे। यह तब ऐसा लगा कि ये देश के प्रधान सेवक नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनी के वकील साहब बोल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, भारतीय रेल दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यह रोजाना 2.25 करोड़ से अधिक यात्री और 33 लाख टन से अधिक माल ढुलाई करता है। रेलवे का देश की प्रगति और विकास में एक बड़ा योगदान है कि हमारी संस्कृति, भाषा और सभ्यता तथा इतिहास से जोड़ने में भी अहम भूमिका रही है। रेलवे गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। यह रोजगार उपलब्ध कराने वाला भी सबसे बड़ा उपक्रम है। सरकार एक तरफ तो कहती है कि भारतीय रेल सार्वजन के कल्याण को बढ़ाने के लिए चलाई जाती है, लाभ कमाने के लिए नहीं। यदि सरकार की नियत में खोट नहीं है तो रेलवे के घाटे से उबरने के प्रयास क्यों नहीं किए जाते? संसाधन जुटाने और जनता की समस्याओं के समाधान कर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता? सरकार अपने जिम्मेदारी से भागना क्यों चाहती है? इसे प्रतीत होता है कि सरकार के कथनी करनी में अंतर है। माननीय सभापति जी, सरकार की नियत रेलवे के प्रति ठीक नहीं है। एक शायर ने कहा था कि यदि लहर लहर पर कगारों की नज़र टेढ़ी हो, कल के चमन पर बहारों की नज़र टेढ़ी हो, कैसे पहुँचेगी डोली पिया के देश, यदि भोली दुल्हन पर कहारों की नज़र टेढ़ी हो, कहारों की नज़र टेढ़ी हो। आज माननीय सभापति महोदय, सरकार की नियत रेलवे के प्रति ठीक नहीं है। माननीय सभापति, ऐसा लगता है कि देश के प्रधान सेवक और सरकार की नियत भारतीय रेल और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के प्रति ठीक नहीं है, इसलिए रेलवे और सार्वजनिक सेक्टर के सामने इस तरह की परिस्थितियां जानबूझ करके निर्मित की जाती हैं, जिसके कारण वह घाटे में चले जाते हैं और जब घाटा होता है तो घाटे का बहाना बता करके निजी हाथों में सौंपने की साजिश कार्यवाही की जाती है। इसी व्यवस्था का शिकार आज हमारा भारतीय रेल भी है और जिसे निजी हाथों में सौंपने की कोशिश की जा रही है। माननीय वित्त मंत्री जी का कहना है कि भारतीय रेल बजट 1.10 लाख करोड़ का है। बजट की विशेषताओं का
उल्लेख करते हुए कहते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में 60 मीट्रिक टन अनाज की अधिक ढुलाई हुई है। यात्रियों की संख्या में भी 8,085.74 लाख के स्थान पर 8,593.93 लाख हुई है। रेलवे कुल प्राप्तियां भी 2,17,460 करोड़ रुपए है। राजस्व व्यय 2,10,093 करोड़ है और शुद्ध राजस्व 6,561 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। यात्रियों के हितों को मजबूत किया जा रहा है। यह एक क्रांतिकारी बजट है। यह बजट देश की सूरत बदले वाला बजट है। आत्मनिर्भर भारत का बजट है। तो माननीय सभापति महोदय, यदि इतना विशेषकारी लाभकारी जनता के लिए देश के लिए बजट है तो फिर पीबीटी वोट के नाम पर रेलवे का निधि करने की आवश्यकता क्या है, इस पर विचार करने की जरूरत है। दूसरी तरफ सरकार मानती है कि तमाम प्रयासों के बावजूद पिछले कई वर्षों से रेलवे लगातार घाटे में चल रहा है। रेलवे के सभी अंश, चाहे यात्रियों की सुरक्षा हो, यात्रा से जुड़ी अन्य सेवाएं हो, आधुनिक मशीनें हो, चाहे प्रशिक्षण की कमी हो, रेलवे बेहतर सेवा सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम साबित नहीं हो रहा है। यह कठिनाई लंबे समय से चल रही है, जिससे सरकारी खजाने का भार बढ़ता जा रहा है। यात्री भाड़ा को कम करने की कोशिश में माल भाड़े को बढ़ाना पड़ता है, जिससे अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके विकल्प के रूप में निजीकरण के रूप में देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि निजीकरण से सुविधाएं बढ़ेंगी, दुर्घटनाओं में कमी आएगी, लागत में कमी आएगी, प्रतिस्पर्धा में बढ़ावा मिलेगा, यात्रियों का लाभ होगा, माल ढुलाई करने वालों को भी लाभ होगा। इन्हीं तर्कों के आधार पर माननीय सभापति महोदय, 109 चुनिंदा रेल मार्गों की 150 रेलगाड़ियों और 50 रेलवे स्टेशनों को सार्वजनिक निजी साझेदारी के नाम पर निजीकरण किया जा रहा है और इसी माध्यम से 50 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है, ये हकीकत नहीं है। माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह से रेलवे के निजीकरण से केवल पूंजीपति माला माल होंगे, गरीब आम जनता कंगाल होगी। निजी कंपनियाँ मुनाफा कमाने के लिए आ रही हैं, वह मुनाफे वाले क्षेत्र में ही निवेश करेंगी, कम मुनाफा वाले क्षेत्र उपेक्षित रह जाएंगे। इसका उदाहरण है हमारे मध्य प्रदेश में गोटे गांव के सड़क रेल मार्ग निजीकरण के हाथों में दी गई थे, लेकिन इसको छोड़ करके कंपनी चली गई और वो कार्यक्रम पीछे वहीं पड़ा हुआ है। ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में किराए में मनमानी वृद्धि करेगी, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग बर्बाद होगा। निजी कंपनियाँ अपनी प्रशासनिक संरचना और कार्य प्रणाली को अपने हित के तरीके से चलाएंगे, जिससे अनेक कठिनाइयां पैदा होगी। प्रतिस्पर्धा के बजाय निजी कंपनियों का एक कहते कि प्रतिस्पर्धा में लाभ होगा, तो प्रतिस्पर्धा के बजाय निजी कंपनियों का एकाधिकार हो जाएगा। इसका उदाहरण शिक्षा विभाग है। माननीय सभापति महोदय, आज शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है, जब से निजी संस्थाएं आई हैं हमारे सरकारी संस्थाएं बंद होने की कगार पर हैं। निजी शिक्षण संस्थाओं में किस तरह से गरीबों का मध्यम वर्ग का शोषण होता है, किस तरह से उनका भविष्य बर्बाद होता है, इसके कल्पना नहीं की जा सकती है, और किस तरह से वहाँ के कर्मचारियों का शोषण होता है, ये हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है। उसी तरह की नसीहत रेलवे की निजीकरण से भी होने वाली है। ऑनरेबल मेंबर, कंक्लूड करना पड़ेगा, एक ही मिनट। अभी तो माननीय सभापति महोदय, निजीकरण से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। रेलवे विभाग में लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन वही नहीं भरे जा रहे हैं। निजीकरण से जो सबसे बड़ा नुकसान होगा, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी तथा गरीब वर्ग का आरक्षण पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। जो गरीबों
और वंचितों का संवैधानिक अधिकार है जिसके गारंटी हमारा संविधान देता है। संविधान प्रजातंत्र व्यवस्था और भेदभाव को समाप्त करने के लिए हर वर्ग की भागीदारी समाप्त हो जाएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में अपने मध्य प्रदेश के बारे में निवेदन करना चाहते हैं कि रेलवे के इस बजट में मध्य प्रदेश की घोर उपेक्षा हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर जबलपुर नई रेल लाइन के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान। कई वर्ष पहले जबलपुर से दमोह सीधी रेल लाइन के लिए सर्वे किया गया, उसके लिए मात्र 1000 रुपये। गाड़रबारा बुधनी इंदौर लाइन के लिए भी 1000 रुपये प्राइवेट कंपनी छोड़ करके चली गई। इसी वजह से माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अपने क्षेत्र के रीवा जिला के रेलवे सुविधा के बारे में माननीय मंत्री जी को पत्र भी लिखा था, लेकिन उसमें अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। वो सुविधा बढ़ाया जाना जरूरी है। इलाहाबाद से चाक त्योंथर कटरा होते हुए रीवा तक सीधे नवीन रेल पथ निर्माण किया जाए था। इसके आगे सतना से पन्ना छतरपुर सागर रायसेन होते हुए भोपाल तक नवीन रेल पथ का निर्माण किया जाए और बम्बई इंदौर भोपाल सागर छतरपुर सतना रीवा चाक इलाहाबाद दिल्ली को सीधे मार्ग को राष्ट्रीय रेल मार्ग घोषित किया जाए। दूसरा मिर्जापुर से चुनार हनुमना मऊ गजमनगवा होते हुए रीवा तक रेल पथ का निर्माण किया जाए। मेरा सुझाव है कि बैढ़र रेलवे से कटनी सिंगरौली लाइन को बरगमा से बढ़ाकर होते हुए शक्ति नगर उत्तर प्रदेश से जोड़ा जाए। माननीय सभापति जी, मैं अंत में केवल इतना ही कहना चाहते हैं, दो बात सरकार की लगाव करना चाहते हैं, सरकार को कहना चाहते हैं माननीय सभापति महोदय कि उमंगों की नदी बढ़ते किसी दिन सूख जाती है। कभी होता जो अपना है वही अनजान होता है। कहो इन हुक्मरानों से कि भूले नहीं सच को। तिलक के अक्षतों में भी लिखा बनवास होता है। और देश की जनता से आगाह करना चाहते हैं कि जागते रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहो। वरना श्रम के पुजारी अगर थक गए तुम, कलम के पुजारी अगर गए तुम, ते धन के पुजारे चमन बेच देंगे, वतन बेच देंगे, अगर मर गए तो कफन बेच देंगे। धन्यवाद जय। धन्यवाद पटेल जी। आई रिक्वेस्ट झरना दास वैद्य जी टू मेक अ इंटरवेंशन।